दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में। दोस्तों कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिस पर हमने बताया था कि सभी छात्रों के स्टेटस वेरीफाइड होने लगे हैं डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, तो उसमें बहुत सारे जो हेटर्स जैसे कि लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं आता किसी की कामयाबी, तो वो लोग कमेंट कर रहे थे कि ये सब फोटो मॉप से फोटोशॉप से एडिट करके बनाया है, फेक वीडियो है। तो उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो लोगों के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन उसके जवाब में मैंने आपको ये वीडियो इसलिए लाया है कि मैं आज लाइव इसमें अपना स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि स्टेटस वेरीफाई हो गए हैं, तो वो सब मैं पूरा डिटेल से दिखाऊंगा। तो उससे पहले मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई नई वीडियोज लेकर आएंगे वो आपसे मिस नहीं होंगी। और अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोई सा भी ब्राउजर खोल लेना है। मैं एमसेंट ब्राउजर का यूज करता हूं और उन छात्रों को बताना चाहता हूं जो कई लोग कल की वीडियो में कई सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा स्टेटस ही नहीं खुल रहा है, बी आर सॉरी लिख के आ जा रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि क्रोम ब्राउजर पर ऐसी दिक्कत आ रही है, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो हम एमसेंट ब्राउजर का यूज करते हैं, आप भी करिए और इससे बहुत अच्छे में से चलता है और आपका जो स्टेटस है बहुत आसानी से दिखा देता है। तो अगर आप चाहते हैं इस ब्राउजर को इंस्टॉल करना, आपके मोबाइल में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और इससे स्टेटस देखिए। तो चलिए बात करता हूँ जो कल मैंने वीडियो बनाई थी कि जो है स्टेटस वेरीफाइड होने लगे हैं डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से, तो कई सारे छात्र कमेंट करके कह रहे थे कि फेक है, नहीं हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमने खोल लिया upscholarship.up.nic.in और जैसे इस पर हमने क्लिक किए तो आपको ये सीधे यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो वहाँ पर ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये तीन डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में क्लिक करना है। स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, तो मैं अपना कैटेगरी चूज कर लेता हूँ, पोस्ट मैट्रिक अदर देन लॉग इन इंटर रिन्यूअल। तो यहाँ देखिए जैसे ही करेंगे तो यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा 1 से 10 सेकंड का, तो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ स्किप किए दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है और अब मैं यहाँ नीचे जाके सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ जो स्टेटस वाला पेज है उस पर मुझको ये ले जाएगा। ये देखिए यहाँ आ गया, आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टेटस खुल के आ जाएगा। ये देखिए ये मेरा स्टेटस खुल के आ गया और ये जो सबसे मेन चीज है, देखिए आज की डेट में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं जो ये मेरा वेरीफाई हुआ है 28/12/2018 को शाम 5:16:53 पर, और जो करंट स्टेटस है वो भी है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो जो लोग कल कमेंट कर रहे थे कि ये फोटोशॉप का कमाल है, तो उन वो लोग गौर से देख लें, इस वीडियो को मैं लाइव दिखा रहा हूँ। और रही बात कि जिन छात्रों का सस्पेक्ट था तो उनका अभी भी सस्पेक्ट है, और जिन छात्रों का नॉट वेरीफाइड बाई PFMS था उनका भी वही है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 10 तारीख तक का समय है, धीरे धीरे सबके अपडेट हो रहे हैं, अभी सबका नहीं हुआ है, लेकिन कई छात्रों ने पर्सनली मुझको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है कि सर हमारा जो नॉट वेरीफाइड बाई PMS बैंक अकाउंट था वो सही हो गया है, और हमको थैंक यू भी बोल रहे थे। तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि इस वीडियो में कमेंट करें ताकि आप लोग भी उनसे समझ सकें कि उनका सही हुआ है। तो आप परेशान ना होइए, सही होगा आपका भी, अभी उनका प्रोसीजर चल रहा है, 10 तारीख तक सबके फाइनल होंगे, तो 10 तारीख तक का समय, तब तक के लिए आपको वेट करना चाहिए बहुत जल्दबाजी में। और जो लोग कुछ लोग गाली लिखते हैं कमेंट में, तो हम तो कहते हैं कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए गाली लिखते हैं, हम उन गालियों को अपने ऊपर स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ।
तो मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही न्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपकी कोई न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब